A very good morning, my dear students. Welcome back to your computer class. Today we are going to start the chapter number 5 of your computer book. Open your books at page number 48, chapter number 5, Working with Objects in Word. Working with Objects in Word. You remember what we have learnt in the previous chapter? In the previous chapter, we have learnt the text formatting in Word. है ना, वर्ड में जो भी हम टाइप करते हैं उसकी फॉर्मेटिंग सीखी थी हमने, कि उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, हम उसको अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं. अब हम हमारे डॉक्यूमेंट में अलग अलग चीजें, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना सीखेंगे. सी, इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर वेरियस फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड, लाइक इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्टिंग ग्राफिक्स, inserting background color, inserting word art, pictures, tables, etc. First is inserting text box. Text box क्या होता है? Text means जो हम लिखते हैं या type करते हैं. Text box means जिस box में हम लिख सकते हैं. तो हम word document में एक text box कैसे insert कर सकते हैं? See, a text box is used to emphasize some special kind of information. इट कैन बी मूव्ड एनी वेयर इन द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट में अगर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं, उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसमें हम कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन एड कर सकते हैं. इसको हम कैसे एड कर सकते हैं? आप अपना एमएस वर्ड खोलोगे तो उसमें आपको ये रिबन दिखाई देता है ना, ऊपर जो होता है विंडो में, यहाँ पिक्चर में दिखाई दिया ना. इंसर्ट टैब में आप जाओगे तो उसमें आपको राइट हैंड साइड पे टेक्स्ट ग्रुप मिलेगा. उस टेक्स्ट ग्रुप में सबसे पहली ऑप्शन होती है टेक्स्ट बॉक्स. उस टेक्स्ट बॉक्स के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको कैसा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए. तो आप इस गैलरी में से जो टेक्स्ट बॉक्स आपको चाहिए उस पे क्लिक करोगे तो वो टेक्स्ट बॉक्स आपके डॉक्यूमेंट में बन जाएगा एंड यू कैन टाइप इन दैट टेक्स्ट बॉक्स. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज इंसर्टिंग वर्ड आर्ट. अब वर्ड आर्ट क्या है? बहुत सारे बच्चों को पता होगा क्योंकि इसका थोड़ा बहुत कुछ हमने थर्ड में करा था. वर्ड आर्ट एक आर्ट है जो वर्ड डॉक्यूमेंट को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है. वर्ड आर्ट फीचर हमारी हेल्प करती है हमारे टेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स लगाने की, जैसे टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन एंड नंबर ऑफ विजुअल ऑब्जेक्ट्स. ये देखो यहाँ पे ये जितनी सारी ए बनी है, ये सारे इफेक्ट्स हम इनमें से कोई भी तरह की ए या कोई भी तरह का टेक्स्ट लिख सकते हैं. इनमें से जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उस तरह का टेक्स्ट, उस तरह की टाइपिंग हमारे डॉक्यूमेंट में होगी. शादियों के कार्ड देखते हो ना आप लोग, अलग अलग तरह के कितने स्टाइलिश बने होते हैं, वो वर्ड आर्ट से बन जाते हैं. टू इंसर्ट वर्ड आर्ट फॉलो दीज स्टेप्स. क्या क्या स्टेप्स हैं वर्ड आर्ट बनाने के? सेम, इंसर्ट टैब पे जाओ. इंसर्ट टैब में जब टेक्स्ट बॉक्स के बाद अगला ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट, उस वर्ड आर्ट पे क्लिक करोगे तो ये सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी जो यहाँ पे लिंक खुली हुई हैं. इनमें से आप कोई भी अपनी मर्जी का स्टाइल चूज कर सकते हो और उस टेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या मिलेगा? एक प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर लिखा होगा योर टेक्स्ट हियर, मतलब आप अपना टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं. आप वहां लेफ्ट क्लिक करोगे, वहां पे आपका कर्सर बन जाएगा एंड यू कैन टाइप देयर. और आप अपने उस टेक्स्ट बॉक्स को, वर्ड आर्ट के टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हो. ओके चिल्ड्रन, फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट टेक्स्ट. अब वर्ड आर्ट टेक्स्ट बना लिया तो उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं. ये नहीं कि उसको एक बार ही बना लिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हम. उसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं? जो आपने टाइप किया है उसमें से कहीं पे भी आप क्लिक कर दो तो वो सिलेक्ट हो जाएगा. तो उसके ऊपर रिबन में हमारे पास फॉर्मेट टैब बन जाएगा. ये देखो ऊपर बना है ना व्यू के बाद आपकी पिक्चर में फॉर्मेट टैब. उस फॉर्मेट में क्विक स्टाइल्स आएगा, वर्ड आर्ट स्टाइल्स. उसमें से आप क्लिक करोगे तो उसमें से कोई भी नया स्टाइल आप चूज कर सकते हो और आपने जो टाइप किया है वो उस स्टाइल में चेंज हो जाएगा. यहाँ से वर्ड आर्ट स्टाइल चेंज कर सकते, आप कलर भी चेंज कर सकते हो. आपकी बुक में पेज नंबर 49 और 50 पे ये दिया हुआ है कि आप अपने आउटलाइन भी चेंज कर सकते हो अपने टेक्स्ट की. ओके चिल्ड्रन, इंसर्टिंग शेप्स. हम लोग पेंट करते हैं शुरू से, है ना,
अपने कंप्यूटर में एमएस पेंट सिखाया ना मैंने आपको, तो पेंट में हम लोग ऊपर से शेप्स लेके आते थे नीचे। इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी इंसर्ट टैब में आपके पास बहुत सारी शेप्स हैं। ये देखो यहाँ पे कितनी शेप्स बनी है आपकी बुक पे भी, पेज नंबर 50 पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो पिक्चर बनी है उसमें कितनी सारी शेप्स बनी है। उनमें से कोई भी शेप हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने उसमें टेक्स्ट बॉक्स में और हमारी शेप वहां पे ड्रॉ हो जाएगी। और आपको पता है ना आपने ये पेंट में किया है सिमिलर वे, उसमें कलर भी फिल कर सकते हो और उसको कोई स्टाइल भी दे सकते हैं हम। आफ्टर दैट एडिंग टेक्स्ट इन अ शेप, अब जो शेप बन गई है उसमें हम टाइप भी कर सकते हैं। ये पेज नंबर 51 पे है आपकी बुक के, हम उसमें टेक्स्ट कैसे, आप उस शेप पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, वहां पे ऑप्शंस आ जाएंगी, उन ऑप्शंस में आप एड टेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपका कर्सर बन जाएगा एंड यू कैन टाइप इन दैट एडिंग टेक्स्ट इन अ शेप। दिस इज अ प्रैक्टिकल चैप्टर बेटा, अगर करके देखोगे तो ही आएगा। सो अपने अपने कंप्यूटर्स पे ये सबने करके देखना है। नेक्स्ट इंसर्टिंग पिक्चर्स, अब पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करनी है आपके कंप्यूटर में, जो भी पिक्चर्स पड़ी हैं, जो आपकी गैलरी में कंप्यूटर में पिक्चर्स पड़ी हैं, उनमें से कोई पिक्चर आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। कैसे, इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ग्रुप में पिक्चर सबसे पहला ऑप्शन आता है, आप उस पिक्चर पे क्लिक करो, आपको ऑप्शन आएगी कि आपने पिक्चर कहां से इंसर्ट करनी है, फ्रॉम फाइल, तो आप कौन सी फाइल में से पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, कहां पे वो पिक्चर पड़ी है आपके कंप्यूटर में, आप वहां पे जाके क्लिक करोगे और अपनी पिक्चर पे क्लिक करोगे तो वो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। फॉर्मेटिंग अ पिक्चर, जब पिक्चर इंसर्ट हो गई तो फॉर्मेट टैब में पिक्चर टूल्स में आप उस पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हो। कैसे, ये ग्रुप्स भी हैं और फीचर्स भी। बुक के पेज नंबर 52 पे जो टेबल दिया है एडजस्ट पिक्चर स्टाइल्स अरेंज साइज, उनमें आप उसको रीड करोगे और अकॉर्डिंग टू दैट यू विल अप्लाई इट ऑन योर कंप्यूटर एंड डू इट एट योर ओन। ओके चिल्ड्रन, सो टुडे वी विल डू ओनली दिस, द रिमेनिंग पार्ट टेबल्स ऑफ दिस चैप्टर विल डू टुमारो। The homework is read page 48 to 52 thoroughly of your book. इसको अच्छे से read करना है, समझना है और practical करके देखना है. Okay children, bye.